जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं एडमिशन से संबंधित। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिससे जो अवध यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड उनके सवाल थे, जानना चाहते थे कि अवध यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन कब होगा, क्या प्रोसेस होगा एडमिशन का। तो इससे संबंधित कुछ सवाल आए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मैं आपको चीज़ बता दूं कि अवध यूनिवर्सिटी ने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया कि आपका एडमिशन फॉर्म कब भरा जाएगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर आपके कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे कि अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या का इंट्रेंस एडमिशन फॉर्म 2024 पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कब तक आएगा, आ जाएगा भैया, प्लीज हेल्प मी। तो इन्होंने कहा है कि ये पूछना है इनका कि कब तक एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, एडमिशन 2024 की अवध यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आप किसी भी कोर्सेज में हो, यूजी के कोर्सेज, पीजी के कोर्सेज, एलएलबी के कोर्सेज की अगर आप एलएलबी लेना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं, किसी प्रकार के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आपको इंट्रेंस एग्जाम फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इनका सवाल है कि फॉर्म कब तक आएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा इनको बताने से पहले कि अगर आप में से कोई लोग इस साल एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है मेन कैंपस में, तो प्लीज़ एक बार कमेंट में अपना नाम दे दीजिएगा, अटेंडेंस दे दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कितने लोग इस बार इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए और एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए, अगर बात करें कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, तो मैं आपको यहाँ पर सीधा अवध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आता हूँ। पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट डेट का कॉलम रहता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पिछले साल की जो लास्ट डेट थी वो 10 जून यहाँ पे रखी गई थी, और जो पेपर शुरू कब हो गया था फॉर्म भरना दोस्तों अप्रैल में, 10 अप्रैल तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका था। सभी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं, अवध यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो 10 अप्रैल इस बार ऑलरेडी अप्रैल में तब खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट आज 25 तारीख है, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। अब यहाँ पे फॉर्म कब आएगा, हालांकि यूनिवर्सिटी बताएगी, लेकिन दोस्तों इतना लेट हो चुका है कि मैक्सिमम आप एक हफ्ते से दस दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं दिनों के अंदर डेफिनेटली यूनिवर्सिटी क्या करती है, शायद अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी और एडमिशन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट करेगी। पिछले साल दोस्तों 10 अप्रैल तक फॉर्म भरना शुरू हो चुका था, और इस बार अप्रैल का एंड है तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम आप एक हफ्ते से 10 दिन आप वेट कर लीजिए, आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो सकता है। तो यही वो सूच रहा है दोस्तों। ऑफिशियली शुरू कब होगा ये तो कॉलेज और कैंपस बता सकता है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड अगर हम पिछले साल के अनुभव की बात करें तो अभी तक शुरू हो जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो मैक्सिमम बस ये एंड टाइम चल रहा है, जल्दी यहाँ पे आपका फॉर्म एक हफ्ते से 10 दिन के अंतर्गत आ जाएगा। अब एग्जाम्स कब होगी, एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, पहले हम दूसरे कमेंट पर देख लेते हैं। अब इनका कहना है कि टाइमिंग क्या होती है एग्जाम की। देखिए बहन, टाइमिंग की अगर आप बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स की। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर होते हैं। मॉर्निंग 10 से 1 बजे तक 3 घंटे का टाइम रहता है, और इवनिंग दोस्तों 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का टाइम रहता है। तो किस शिफ्ट में आपका कौन सा कोर्स है, इस पर डिपेंड करता है। 3 घंटे का पेपर होगा, और इस तरीके से एडमिशन जो सेंटर होता है वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बस एक ही सेंटर अवध यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंतर्गत ही रहता है। तो कैंपस के अंतर्गत ही आपके आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट टाइम IIT कैंपस रहा था, तो IIT कैंपस आपको आना पड़ेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो ये हो गई बात टाइमिंग की। अगर हम और बात करें कि एंट्रेंस एग्जाम्स का फॉर्म कब तक आएगा, सिमिलरली अभी मैंने बताया था कि अभी ये एंड टाइम चल रहा है, मैक्सिमम आप एक हफ्ते से 10 दिन वेट करेंगे, तो आपको इससे संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़ और कुछ अच्छी सूचना विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को जरूर मिल सकती है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि एमएड में अवध यूनिवर्सिटी की फीस कितनी होती है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखिए, फीस की अगर हम बात करें तो मैं आप फिर से कहूँगा कि हम सीधा आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेटा रहता है वो ऑथेंटिक रहता है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं आसानी से। तो अवध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। अच्छा, ये मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ तो इसको भी बता दूँ मैं आपको। जैसे आप ये अवध यूनिवर्सिटी का जो मेन वेबसाइट है ना, तो यहाँ पे आपको एक एडमिशन का यहाँ पे बॉक्स मिलेगा। एडमिशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे कैंपस एडमिशन्स के बारे में, देखिए 2024 का कोई यहाँ पे सूचना नहीं है, तो 2023 में अगर आप चलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, ये पूरा खुल के आ जाएगा पेज। और यहाँ पे फीस एंड एलिजिबिलिटी एक ऑप्शन रहता है। जैसे ही आप फीस एंड एलिजिबिलिटी आएंगे, आपने एमएड के बारे में पूछा था, बाकी जो भी आप कोर्सेज के बारे में पूछना चाहते हैं आप यहाँ पे एमएड के या फिर किसी भी कोर्सेज के फीस और एलिजिबिलिटी जान सकते हैं अवध यूनिवर्सिटी की। तो अगर इन्होंने एमएड के बारे में पूछा तो एमएड का यहाँ पे दिया रहता है। सबसे नीचे आएंगे तो नीचे से ये देखिए, एमएड के बारे में, चूँकि कैंपस के अंतर्गत 25 सीटें हैं, ड्यूरेशन 2 साल का होता है, और इसकी फीस जो होगी दोस्तों 59,600 रुपये, ठीक है।
ये आपकी फीस है। और आप कहोगे सर 25 नहीं, ये केवल कैंपस की बात की जा रही है, और लगभग 1000 सीट अगर आप फॉर्म भरते हैं तो एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीटें बच जाती है, तो आप फॉर्म भरना पड़ेगा, बिना फॉर्म भरे आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म, बाकी और कोर्सेज में कैंपस में लेने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, दूसरे कॉलेज में आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो फीस की अगर बात करें तो एक साल की फीस आपकी कितनी होगी, 59,600, लगभग आपके 60,000 रुपये मान सकते हैं एक साल की फीस है। दो ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे फीस कम होता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप 30 के अंतर्गत रैंक लाना पड़ेगा। तो काउंसलिंग में अगर वहाँ पे आपकी सीट अलॉट होती है तो वहाँ की फीस 10,000 से कम है, लगभग 6,000 के आसपास एक साल की। तो अगर वो कॉलेज आपको मिलता है तो आपकी फीस कम होगी, लेकिन उसके लिए मैं फिर बता दूँ कि आपको टॉप 30 से पहले, जनरल कैटेगरी में तो और कम, 20 से पहले आपको रैंक लाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी जहाँ पे आपका फीस कम होगा। जैसे मुझे एक कॉलेज याद है KNI, मैक्सिमम दो ही ऐसे कॉलेज है जहाँ पे फीस कम होता है। कैंपस की भी फीस इतनी होती है दोस्तों, 59,600, ये कैंपस की भी फीस इतनी होती है, प्राइवेट कॉलेज की भी फीस इतनी होती है। आपको सहूलियत मिल जाता है, कई किस्तों में आप EMI में भी जमा कर सकते हैं। सो ये हो गई बात फीस की। सर यहाँ MSc जूलॉजी में एडमिशन कैसे होता है, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। MSc जूलॉजी देखिए, अगर आपको कैंपस में एडमिशन लेना है तो सेम प्रोसेस है कि जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तो वहाँ पे आप फॉर्म भरिएगा, एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, अच्छा रैंक आता है तो काउंसलिंग करा के आपको कैंपस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहती है तो फिर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस कॉलेज में जाके बात कर सकती हैं कि सर मुझे एडमिशन लेना है। वहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म लिया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी की चेक की जाएगी, आपसे पैसे लिए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और वहाँ से प्राइवेट कॉलेज में इजिली एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज में आपको दिक्कत नहीं है, बस आप पता कर लीजिए कि आपके आसपास का कौन सा ऐसा कॉलेज है जो MSc जूलॉजी से कराता है, आप वहाँ पे जाकर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कैंपस लेना है आपको तो फॉर्म जब रिलीज की जाएगी विश्वविद्यालय की तरफ से, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, काउंसलिंग कराना है, और काउंसलिंग कराने के बाद आप एडमिशन ले सकती हैं। ठीक है, आई होप टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, सेम सवाल पूछा जाता है LLB के बारे में, LLB फॉर्म कब तक आएगा, और अगला सवाल है LLB एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, जून 2024। तो अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो फिर हम एक बार आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट टाइम एग्जाम्स कब हुआ था, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो अगर आप इम्पोर्टेंट डेट पे आएंगे तो लास्ट टाइम देखेंगे कि आपके एग्जाम्स कब हुए थे। तो लास्ट टाइम आपकी एग्जाम डेट 26, 27 और 28 जून निर्धारित की गई थी, एक्सपेक्टेड एग्जाम। तो इन दिनों के अंदर जून में आपकी एग्जाम्स निर्धारित की गई थी, तो इस बार चूंकि फॉर्म थोड़ा लेट हुआ है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा और जुलाई स्टार्टिंग में हो जाए, या अगर फॉर्म भरने को कम समय दिया जाएगा, पिछली बार 2 महीने का समय था, अगर इस बार कम समय रहता है 15 डेढ़ महीने या 1 महीने, तो सेम टाइम पर यानी कि जून एंड और जुलाई स्टार्टिंग, ये आपका एग्जाम्स की टाइमिंग है। ये 2023 का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे 2023 का नोटिफिकेशन में पिछले साल 26, 27, 28 जून रखा गया था, 30 जून तक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने का टाइम था, हालांकि थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन दोस्तों 26, 27, 28 जून जो एग्जाम डेट रखा गया था वो पिछले साल रखा गया था। तो अगर इस बार थोड़ा सा लेट हो या ऑलमोस्ट उसी के आसपास हो तो बस हम यूँ ही समझ सकते हैं कि जून एंड में या फिर जुलाई स्टार्टिंग में एग्जाम्स आपके हो सकते हैं। तो अभी भी आपके पास मई जून ऑलमोस्ट 2 महीना 60 दिन का टाइम है, तो आप अगर देना चाहते हैं सीरियसली तो आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये 2023 का नोटिफिकेशन है, उसके बिहाफ पे मैं, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें बदल सकती हैं, चीज़ें अलग हो सकती है। तो जैसे ही दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वहाँ से इन्फॉर्म कर दूँगा। आपको क्या करना है, बस आपको दोस्तों चैनल से जुड़े रहना है, मुझे खुशी होगी अगर आप चैनल से जुड़ेंगे। बाकी एडमिशन संबंधित अगर और कोई क्वेरी, समस्या, प्रश्न हो, सुझाव हो, सलाह हो, शिकायत हो, आप हमसे बता सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, यथासंभव मेरे अनुभव से जो भी हो सकेगा मैं आपको उसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए सहायक होगा, अगर हाँ तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।